हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी मिक्सर ग्राइंडर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आप अपने पर्सनल घर में या पर्सनल फंक्शंस में आप लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने लिए यूज़ भी कर सकते हैं। ये है इनाल्सा जैज मिक्सर ग्राइंडर। फ्रेंड्स, ये मिक्सर ग्राइंडर मैंने आज ही मंगवाया है और इसका मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि एक मिक्सर ग्राइंडर में क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। इनाल्सा का मिक्सर ग्राइंडर, जैज मिक्सर ग्राइंडर में क्या क्या मिल रहा है। देखेंगे आप कि इसमें एक काफ़ी अच्छी तरह से पैक्ड है सारी चीज़ें। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह से पैक्ड ये मिक्सी है और इसमें अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, आप पूरा देखते रहिएगा इसको। आपको ये पता चलेगा कि एक पैकिंग में, जो मिक्सी की पैकिंग में क्या क्या दे रहे हैं ये लोग। ये मिक्सी है और जो पैक्ड है बगल में, इसमें जार्स हैं। मैं बाहर निकाल रहा हूँ और इसमें देख रहा हूँ कि क्या और नीचे है। इसमें काफ़ी अच्छी तरह से पैक्ड है, ब्लिस्टर पैकिंग में है। इसमें कुछ पेपर्स भी हैं, आइए देखते हैं। इनाल्सा फ्यूजन जैज, ये कुछ इसमें वारंटी कार्ड है और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मिक्सर ग्राइंडर के बारे में, जिसको मैं बाद में पढ़ लूँगा। वैसे भी पढ़ाई लिखाई कौन करता है। और ये है इनाल्सा का 6 मंथ्स एक्सटेंडेड वारंटी, इसको भी मैं बाद में देख लूँगा। ये इसकी कॉर्ड है, ठीक ठाक है थोड़ी सी। ये मैंने अलग रख दी, अब मैं देखूंगा इस बॉक्स में क्या है छोटे से। इसमें जार्स और बाकी सब छोटा मोटा जो आइटम है वो होगा, बाकी का बचा हुआ। सो ओवरऑल इट्स अ गुड मिक्सर ग्राइंडर एंड नाइसली पैक्ड। सो आई कैन सी दैट। देर आर 3 जार्स इनसाइड इट। इसमें 3 जार हैं अलग अलग साइज के और उनका मोटिव भी अलग अलग है। एक तो चटनी पीसने वाला जार है, मतलब कोई भी गीली चीज़, चटनी या दाल। एक जार है जिसको आप मिल्क शेक्स या किसी और शेक्स के लिए रख सकते हैं, वो सबसे बड़ा जार है। और एक छोटा जार है जिसको आप ड्राई ग्राइंडिंग के लिए रख सकते हैं, सूखे मसाले हो गए या कुछ हो गया। सो पैकिंग इसमें अच्छी लगी मेरे को। और एक स्पैचुला भी है, ये देखिए। फ्रेंड्स, इसमें 3 जार आते हैं। मैंने तीनों जार्स और मिक्सी को निकाल लिया है। अब आप देख रहे हैं कि ये कितनी प्रीमियम लुक आ रहा है। इसमें स्टेनलेस स्टील के जार्स हैं और इसमें देखिए इसके जो रोटेटर है उसको भी आप देखिए, कितना मजबूत रोटेटर है। इसी रोटेटर के घूमने से मिक्सी के ब्लेड्स घूमते हैं, जो जार्स के जो ब्लेड्स हैं वो घूमते हैं। इसमें 3 स्पीड्स दी गई हैं, लो, मीडियम और हाई। सो जिसमें आप चाहें उस स्पीड से
आप मिक्स अपने ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें विपर भी दिया है, मान लीजिए आप कुछ क्रीम निकाल रहे हैं दही में से, या कुछ किस कुछ भी, या कुछ भी विप करना चाह रहे हैं, या एग्स को विप करना चाह रहे हैं, तो वो भी हो जाता है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर मिक्सी को अगर आपको ख़रीदना है, मिक्सर ग्राइंडर को अगर आपको ख़रीदना है नालसा जैस का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे, सो आप वहाँ जाके इसको बाय कर सकते हैं। सो आपको थोड़े सही रेट्स पे मिल जाएगी मार्केट से। फ्रेंड्स, इसमें जो मोटर है, यू कैन सी इसमें 550 वॉट्स की मोटर है, और इसका पावर है 550 वॉट्स, और इसमें सारी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। और इसके जो चार लेग्स आप देख रहे हैं, ये वैक्यूम वाले लेग्स हैं, और ये पावर कट का बटन है। मान लीजिए कभी मिक्सी ओवर हीट हो जाती है, तो मिक्सी खुद ब खुद रुक जाएगी, और थोड़ी देर बाद जब कूल डाउन होगी, तो इसको फिर आप प्रेस करके इसको मिक्सी को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें मैं इसी वैक्यूम वाले लेग्स को दिखा रहा था, ताकि मिक्सी हिलती नहीं है। एक बार ये अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं, सो यू कैन यूज़ इट, सो मिक्सी वुड नॉट वाइब्रेट वाइल वर्किंग। सो दीज आर द जार्स आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं इसके इसके गास्केट आप देखिए, ख़ास तौर से जब आप किसी मिक्सर ग्राइंडर में कोई भी लिक्विड चीज़ डालते हैं, तो वो स्पिल कर जाती है मिक्सी चलते वक्त। सो अगर गास्केट इसके सही होंगे, इसका लिड सही होगा, तो वो स्पिल नहीं करेगी, और इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। सो यू कैन सी ये थोड़े से टाइट हैं, जिसको आपको बंद करना पड़ेगा, लेकिन ये मजबूती से बंद होंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसकी वर्किंग दिखाने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, पहले देखिए सेफ्टी लॉक है। एक बार जार अंदर जाएगा, आप उसको रोटेट करेंगे थोड़ा सा, ताकि लॉक हो जाएगा इसी मशीन में। सो यू कैन सी दैट इट इज़ हैविंग अ सेफ्टी लॉक। सो व्हेन यू पुट द जार इन टू द मिक्सर, यू हैव टू रोटेट इट अ बिट सो दैट टू लॉक इट विद द मशीन। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से लॉक हुआ है हैं, जिसको मैं पीस के दिखाऊंगा। स्मॉल जो सबसे छोटा जार है, आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर जार फॉर द ड्राई ग्राइंडिंग ऑफ मसालास एंड ऑल द स्टफ्स, सो आई एम यूजिंग इट राइट नाउ। तो लॉक कर दिया है जार को, और मैं आपको ड्राई ग्राइंडिंग करके दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।
क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के वीडियो बनाने का। सो आई गेट मोटिवेटेड टू प्रिपेयर मोर एंड मोर सच वीडियोस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप देखेंगे कितना अच्छी तरह से इसने इस मशीन ने मसाला पीस दिया है। ये देखिए। थैंक यू व्यूवर्स।